नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लेक्चर नंबर 40 में आज हम डिस्कस करेंगे मोंटाग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के बारे में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अनअकैडमी ऐप पर आप मुझसे इस आईडी पर कनेक्ट कर सकते हैं। यू कैन फॉलो मी देयर फॉर अपडेट्स ऑन माय प्लस कोर्सेज एज वेल एज स्पेशल क्लासेस। अन्य सभी प्लेटफॉर्म्स पर मैं महिपाल राठौड़ नाम से उपलब्ध हूँ। पाथफाइंडर अंडरस्कोर यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करने को मिल जाएगा। अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर इस वक्त एक स्पेशल ऑफर चल रहा है जो 7 जुलाई तक वैलिड होगा। 35% डिस्काउंट है इसमें ऑप्शनल प्लस जीएस के कंबाइंड कोर्स पर। इसकी ज्यादा जानकारी लेक्चर के अंत में। 11 जुलाई को होने वाले कॉम्बैट में आपके लिए स्कॉलरशिप्स के अलावा इस बार जीतने के लिए गिफ्ट्स भी हैं। सो डू ज्वाइन इन कॉम्बैट, लिंक आपको नीचे कॉमेंट में मिल जाएगा। यू कैन ज्वाइन यूजिंग दिस कोड। अब मोंटागु चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स पढ़ने से पहले आपको मोरले मिंटो रिफॉर्म्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। लेक्चर नंबर 34 में हमने इनको पढ़ा था। अगर आपको देखना है तो आप उस लेक्चर को भी एक बार देखिए पहले, अगर नहीं देखा है तो, और अगर भूल गए हैं तो थोड़ा सा रिवाइज कीजिए। तो मोरले मिंटो रिफॉर्म्स से ज़्यादातर देश के पॉलिटिशियंस खुश नहीं थे क्योंकि इसने इलेक्टेड मेंबर्स की संख्या तो बढ़ा दी थी लेकिन ज़्यादातर मेंबर्स अभी भी इनडायरेक्टली इलेक्ट होते थे और उसमें हावी कौन रहता था? ब्रिटिश सरकार। तो वो क्यों हावी रहता था, उसका पूरा फॉर्मूला मैंने आपको समझाया था उस लेक्चर नंबर 34 में, उसको जरूर समझिए। कुल मिलाकर मोरले मिंटो रिफॉर्म्स असली रूप से भारत के लोगों को जिम्मेदारी नहीं दे पाए। भारत के मिनिस्टर्स, भारत के जो काउंसिल मेंबर्स हैं उनके पास कोई असली जिम्मेदारी या असली पावर नहीं आता है। तो इस प्रकार से ये काउंसिल्स नाम के लिए तो बढ़ा दी गई, रिप्रेजेंटेशन बढ़ा दिया गया, लेकिन थी अभी भी ये एडवाइजरी बॉडीज। जो ब्रिटिश हुकूमत चाहती थी होता वही था। तो मोरले मिंटो रिफॉर्म्स का जो असली मकसद था वो गवर्नेंस में भारतीय लोगों को शामिल करना नहीं था बल्कि कम्युनल डिसहार्मनी बढ़ाना था, यानी कि आपस में समाजों के बीच में, धर्मों के बीच में दुर्भाव बढ़ाना था। वो उन्होंने कैसे किया? बाय गिविंग सेपरेट इलेक्टोरेट। तो मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया था और अल्टीमेटली टारगेट ये था कि हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में जो दूरियां हैं वो बढ़ती जाएं और पॉलिटिकल डिसहार्मनी फैल जाए। इनफैक्ट जॉन मोरले, जिनके पीछे मोरले मिंटो रिफॉर्म्स नाम दिया गया था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, इनसे जब पूछा गया था कि क्या आप ये रिफॉर्म्स इसलिए लेकर आए थे ताकि भारत में स्वायत्तता मिले, लोगों को डेमोक्रेसी के पथ पर अग्रसर किया जाए, तो इन्होंने कहा था कि मेरा तो ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था डायरेक्टली या नेसेसरीली, ऐसा कोई भी पार्लियामेंट्री सिस्टम हम शुरू करने नहीं गए थे। तो कुल मिलाकर मोरले मिंटो रिफॉर्म्स जो भारत को पार्लियामेंट के रूप में दिए गए थे, यानी कि ऐसा कहा गया था कि तो गिफ्ट दिया जा रहा है, पार्लियामेंट दी जा रही है भारत को, वो उनका उद्देश्य ही नहीं था। जॉन मोरले ने खुद ये बात ब्रिटिश पार्लियामेंट में कही थी कि हमारा लक्ष्य पार्लियामेंट्री सिस्टम की स्थापना करना बिल्कुल भी नहीं था। अगर बाय चांस हो गया हो तो अलग बात है, बाकी हमारा उद्देश्य ऐसा नहीं था। तो मोरले मिंटो रिफॉर्म्स के कुछ साल बाद ही फिर से डिमांड शुरू हुई कि नए रिफॉर्म्स लाए जाएं, पार्लियामेंट जैसी संस्था बनाई जाए। तो ब्रिटिश हुकूमत ने ज़्यादा कुछ नहीं किया, कुछ छोटे मोटे रेजोल्यूशन पास किए। एक रेजोल्यूशन था उनमें से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेजोल्यूशन 1915, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसने जो भी रिकमेंडेशन दिए थे वो कागज़ों पर ही रह गए, कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं किया गया। इसने लोकल बॉडीज़ को स्वायत्तता देने की बात कही थी लेकिन असली हकीकत ये थी कि जो रिपन के समय में पावर्स दिए गए थे लोकल बॉडीज़ को वही कंटिन्यू रहे, कुछ भी चेंज नहीं आया। फिर होम रूल लीग मूवमेंट जब समाप्त हुआ था उस समय मोंटागु का डिक्लेरेशन आया था 1917 अगस्त में। तब मोंटागु ने कहा था कि हमारा उद्देश्य यह है कि सेल्फ गवर्नमेंट भारतीय लोगों को दे दी जाएगी, यानी कि आप अपनी गवर्नमेंट खुद संभालेंगे, एक रिस्पॉन्सिबल सरकार होगी विच वुड बी रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल ऑफ इंडिया। ऐसी संस्थाएं, ऐसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हम स्थापित करेंगे, बेसिकली पार्लियामेंट की तरफ इशारा था। साफ शब्दों में पार्लियामेंट नहीं कहा था लेकिन सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन ये शब्द इस्तेमाल किए गए थे। इस डिक्लेरेशन के बाद होम रूल लीग मूवमेंट समाप्त हो जाता है, उन्हें लगता है कि मोंटागु अपना काम करेंगे। तो मोंटागु ने एक रेजोल्यूशन ऑफ मे पास किया 1918 मई के महीने में। इसी मोंटागु डिक्लेरेशन पर आगे बढ़ते हुए इन्होंने एक रेजोल्यूशन आगे पास किया कि लोकल बॉडीज को रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाए जितना भी हो सकता है, उनको रियल अथॉरिटी दी जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पावर हो लोकल बॉडीज के पास में। फिर मोंटागु ने क्या किया, 1917 और 18 का जो विंटर है वो भारत में स्पेंड किया। और मोंटागु कौन था बाय द वे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और उसने भारत में वाइस रॉय चेम्सफोर्ड के साथ बैठकर डिस्कशंस किए लंबे चौड़े और इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट बनाई जिसको कहा जाता है मोंटागु चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। इसी रिपोर्ट को ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया जाता है 1918 में और फाइनली यही रिपोर्ट बनाती है कानून। कानून का नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो लंबा प्रोसेस था, दो साल लग गए इस पूरे प्रोसेस को खत्म होने में। आखिरकार 1919 में ये कानून पास किया जाता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये जो रिपोर्ट थी इसकी मुख्य बात यही थी कि भारतीय लोगों को मंत्री बनाया जाए और
इन मंत्रियों को जिम्मेदारियां दी जाए ताकि ये रिस्पॉन्सिबल रहें किसके प्रति, इलेक्टोरेट के प्रति। इलेक्टोरेट कौन होता है, जो उनको चुनकर भेजता है, यानी कि वो लोग जिन्होंने वोट देकर इन मंत्रियों को चुना है उनके प्रति ये जिम्मेदार बने। तो इस रिपोर्ट के की फीचर्स यहाँ पर बताए गए हैं कि भारतीय लोगों का एसोसिएशन बढ़ना चाहिए प्रशासन के हर डिपार्टमेंट में। दूसरा, भारत अभी अलग नहीं हो सकता, भारत इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, इसको ब्रिटिश हुकूमत का, ब्रिटिश एम्पायर का एक अभिन्न अंग बनकर रहना होगा। लेकिन इस ब्रिटिश एम्पायर के अधीन रहते हुए धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली हम इनको जिम्मेदारियां देते रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बढ़ती रहेगी। तो धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरफ भारत कदम रखेगा, लेकिन रहेगा ब्रिटिश एम्पायर के अधीन। तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है वो सक्सेसिव स्टेजेस में दी जाएगी, एक एक करके कदम बढ़ाए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन अचानक हम प्राइम मिनिस्टर बना दिया और वायसराय की सारी जिम्मेदारियां हटा दी, नहीं, सक्सेसिव स्टेप्स में इस प्रकार के कानून लाकर एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भारत में बनाई जाएगी। तो ये वाली जो रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक स्पेशल सेशन का आयोजन किया। अगस्त 1918 में कांग्रेस का सेशन बुलाया जाता है इस रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए, और उसकी अध्यक्षता करी थी बैरिस्टर सैयद हसन इमाम ने। तो ये नाम याद रख लेना कि इस स्पेशल सेशन की अध्यक्षता किसने करी थी, कभी पूछ सकते हैं प्रिलिम्स में। फिर आता है 1919 में मोंटागु चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। इसके तीन नाम है, मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी कहते हैं, कई सारे कानून हैं उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहा जाता है, तो इसलिए ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ईयर आपको याद रखना है। वैसे सिंपल है, 1909 में पहले इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स आए थे, फिर उसके बाद 1919 में आए हैं, उसके बाद अगला बड़ा रिफॉर्म आएगा 1935 में, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहा जाएगा। तो इस मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म का सबसे बड़ा एस्पेक्ट ये था कि इसने बेनेवोलेंट डेस्पोटिज्म को खत्म कर दिया। इन दोनों शब्दों को समझो, डेस्पोटिज्म का मतलब होता है तानाशाही, एक तानाशाह की तरह ब्रिटिश हुकूमत राज कर रही थी, जो वो चाहते थे वो करते थे, लेकिन वो बुरा नहीं कर रहे थे, वो अपने आप को बेनेवोलेंट मानते थे। बेनेवोलेंट का मतलब है जो किसी का भला चाहता है, किसी का अच्छा चाहता है। तो थे तानाशाह, लेकिन अच्छे वाले काम चाहने वाले तानाशाह, हिटलर की तरह नहीं है, लेकिन मानते तो तानाशाही में ही थे। तो इसीलिए इस कानून ने इस बेनेवोलेंट डेस्पोटिज्म को खत्म कर दिया। कैसे खत्म किया, कि अब रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर्स हैं, इलेक्टोरेट के प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं, भारतीय लोग हैं जो मंत्रालय संभालेंगे, कुछ डिपार्टमेंट्स को संभालेंगे। देखो, मैं मंत्रालय शब्द बोल रहा हूं, लेकिन उस समय मंत्रालय नहीं हुआ करता था, डिपार्टमेंट्स होते थे, ठीक है। तो उन डिपार्टमेंट्स या विभागों को संभालने वाले जो लोग हैं वो भारतीय होंगे। तो यहां पर तानाशाही नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो चाहे ब्रिटिश हुकूमत कर सकती है, तो इसका अंत हो जाता है। तो अब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, वो जिम्मेदार है किसके प्रति, इलेक्टोरेट के प्रति। तो ये सबसे बड़ा बदलाव आता है मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म से। तो अगर एक लाइन में आपसे पूछा जाए कि मोंटागु चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ने क्या हासिल किया, तो आप इसको कह सकते हैं कि बेनेवोलेंट डेस्पोटिज्म, तानाशाही को खत्म करके रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की शुरुआत करी। नाम इसको मोंटागु चेम्सफोर्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो लंदन में भारतीय मामलों का मंत्री होता था वो उस वक्त था एडविन मोंटागु, और भारत में वायसराय था चेम्सफोर्ड। इसका पूरा नाम था फ्रेडरिक जॉन नेपियर थेसिगर, लेकिन सब इसको लॉर्ड चेम्सफोर्ड कहते हैं क्योंकि ये इसका फैमिली नेम था चेम्सफोर्ड। तो इस कानून के हाईलाइट्स आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, प्रीलिम्स में तो ये बहुत बार पूछे जाते हैं और मेंस के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहली लाइन इस कानून की ये थी कि भारत अभी आजाद नहीं हो रहा है, इट विल रिमेन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। तो भारत ब्रिटिश हुकूमत का हिस्सा बना रहेगा, लेकिन धीरे धीरे हम डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे। तो केंद्र सरकार जो उस वक्त दिल्ली से काम कर रही थी, कोलकाता से, कलकत्ता से राजधानी दिल्ली शिफ्ट हो चुकी थी, तो वायसराय जो दिल्ली में बैठता था उससे पावर लेकर धीरे धीरे प्रांतों को, यानी कि प्रोविंसेस को दिया जाएगा। तो सुप्रीम होल्ड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसको हम कम करेंगे, तो थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज सिस्टम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि अमेरिका की तरह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बन जाएगा, नहीं, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो रहेगी। तो आप देख रहे हो यहां से ही यूनिटरी बायस चालू हो जाता है, जो हमारे संविधान में भी आगे आजादी के बाद भी कंटिन्यू रहेगा। भारत में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट किस हद तक होगी, कब बनेगी, इसको तय करने वाली ब्रिटिश पार्लियामेंट है। तो जैसे 1919 में उन्होंने ये कानून बनाया, वैसे ही हो सकता है 10-20 साल बाद फिर से एक नया कानून बनाए और हम तय करेंगे कि कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी भारतीय लोगों को दी जाए। प्रांतों में पार्शियल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडियंस को दे दी जाएगी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई बदलाव नहीं आया। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी भी प्रकार की डायरकी नहीं आती है, लेकिन प्रोविंसेस में हम देखेंगे दो तरह का शासन आ जाता है, उसको हम डायरकी कहेंगे, और ये डायरकी आपको आने वाले कुछ मिनट में समझ में आ जाएगी। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसको रिप्लेस करके अब दो काउंसिल बनेंगी। तो अब बाइकैमरल सिस्टम की भारत में शुरुआत होती है पहली बार, एक होगी काउंसिल ऑफ स्टेट और एक होगी लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये दोनों ही संस्थाएं हमारी आज की लोकसभा और राज्यसभा की प्रिकर्सर हैं।
इनके लिए शब्द इस्तेमाल मत करना लोकसभा राज्यसभा कभी भी अपने आंसर में, इनका ऑफिशियल नाम यही था काउंसिल ऑफ स्टेट और लेजिस्लेटिव असेंबली, आगे चलकर आजादी के बाद हम इन्हें कहेंगे लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन ये उनके प्रिकर्सर्स हैं, ठीक है, पूर्ववर्ती जो उनकी सभाएं हैं वो यही वाली हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम सेंट्रल एंड प्रोविंशियल बजट्स वर सेपरेटेड, पहली बार केंद्र और राज्यों के बजट को सेपरेट किया गया, अलग किया गया, और प्रांतों के पास अभी अथॉरिटी थी कि वो अपने खुद के बजट बना सकते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेपरेट इलेक्टोरेट अब ना केवल मुस्लिम्स बल्कि सिख, क्रिश्चियन और एंग्लो इंडियन समुदायों को भी दे दिया गया। तो जब से मुस्लिम्स को मिला था तब से ये रिलीजियस माइनॉरिटीज़ भी डिमांड कर रही थी कि हमें भी सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए, और ये डिमांड इनकी मान ली गई। तो बेसिकली तुष्टीकरण की राजनीति बढ़ाई करी जाती है, और जो आपस में धर्मों के बीच में खाई है उसको बढ़ाने का काम यहाँ पर अंग्रेज़ों ने किया, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को एक्सटेंड किया गया। आइए बात करते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट की। तो सबसे ज़्यादा चेंजेस 1919 का एक्ट यहाँ पर राज्य के स्तर पर लेकर आया था। प्रोविंसेस में सरकार के दो हिस्से कर दिए गए, डायआर्की सिस्टम आ गया, डाय का मतलब होता है दो, ठीक है, तो दो तरह का राज आ गया। पहला किसका राज था, गवर्नर यानी कि ब्रिटिश हुकूमत का, और दूसरा जो भारत के इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनका, इसको भी ढंग से समझेंगे। तो डायआर्की में दो क्लास ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर बना दिए गए, एक एग्जीक्यूटिव काउंसलर कहलाते थे और दूसरे मिनिस्टर कहलाते थे। एग्जीक्यूटिव काउंसलर सरकार के द्वारा यानी कि ब्रिटिश गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, और ये जो मंत्री हैं ये चुनकर आएंगे। गवर्नर एग्जीक्यूटिव हेड बना रहेगा पहले की तरह, कोई चेंज नहीं है उसमें। और जो भी सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स का यानी कि डिपार्टमेंट्स, जैसे कि जो आज के समय में हम मंत्रालय जिनको कहते हैं, इनको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, रिजर्व लिस्ट और ट्रांसफर्ड लिस्ट। ट्रांसफर लिस्ट भारतीय लोगों को ट्रांसफर कर दी गई, वो वाले विभाग हैं जो भारतीय मंत्रियों को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो रिजर्व लिस्ट के अंदर गवर्नर इंचार्ज है और एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स को वो विभाग बांटे जाएंगे। तो इसमें ज्यादातर इंपॉर्टेंट विभाग अभी भी रखे गए, जैसे लॉ एंड ऑर्डर, इरिगेशन, फाइनेंस, लैंड रेवेन्यू। सबसे इंपॉर्टेंट देखो फाइनेंस और लॉ एंड ऑर्डर होता है, ठीक है। आज भी आप देखोगे भारत के ज्यादातर राज्यों में जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ही रखते हैं, होम मिनिस्टर को बहुत ज्यादा पावर देते नहीं है, ठीक है, हमेशा नहीं होता, ज्यादातर राज्यों में आप यही सिस्टम देखोगे। और फाइनेंस मिनिस्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो होता है, आज के समय की बात कर रहा हूं, उस समय भी ऐसा ही था। तो ये वाले जो महत्वपूर्ण विभाग हैं ये रिजर्व्ड लिस्ट में रखे गए, यानी कि ये रिजर्व थे अंग्रेजों के लिए। अंग्रेज कौन से, जिनको गवर्नर अपॉइंट करेगा, जिनको ब्रिटिश हुकूमत अपॉइंट करेगी। लेकिन कुछ ट्रांसफर्ड लिस्ट के सब्जेक्ट हैं जिनका इंचार्ज बनाया जाएगा भारतीय लोगों को, और ये चुनकर आएंगे, इलेक्टेड मेंबर्स होंगे काउंसिल के, जिनको एजुकेशन, लोकल गवर्नमेंट, हेल्थ, एक्साइज, इंडस्ट्री, पब्लिक वर्क्स, रिलीजियस एंडाउमेंट जैसे विभाग सौंपे जाएंगे। ये मंत्री जो हैं ये जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगे, जिन्होंने इनको चुनकर भेजा है, और लेजिस्लेचर के माध्यम से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई जाएगी। तो ये जो मिनिस्टर्स हैं इनको नॉमिनेट किया जाएगा, करेगा गवर्नर ही, लेकिन उन मेंबर्स में से जो चुनकर आए हैं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होंगे उनमें से ही कुछ मेंबर्स को गवर्नर के द्वारा यहाँ नॉमिनेट किया जाएगा। एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स जो हैं वो लेजिस्लेचर के प्रति जिम्मेदार नहीं है, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। तो मान लो कि अगर लॉ एंड ऑर्डर में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो भारत के जो लोग हैं या फिर भारत के जो चुने हुए मेंबर्स हैं वो इनसे सवाल नहीं पूछ सकते एग्जीक्यूटिव काउंसलर से, लेकिन अगर इन मामलों का, इन डिपार्टमेंट्स का मामला है तो उनसे सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि वो लेजिस्लेचर के प्रति जिम्मेदार हैं। तो एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स को तो कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई थी, बस पावर दिया गया था। तो इनको मिला है बढ़िया सा पावर, इनको मिला है पावर, लेकिन साथ में जिम्मेदारी भी है कि लेजिस्लेचर के प्रति आपको जिम्मेदार रहना है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि ट्रांसफर्ड लिस्ट के मामलों में गवर्नर को हस्तक्षेप करने का अधिकार था, लेकिन बहुत ही लिमिटेड तरीके से। रिजर्व लिस्ट में तो गवर्नर जब चाहे हस्तक्षेप कर सकता था, क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स बेसिकली उसी के अपॉइंटेड व्यक्ति थे, अपॉइंट यहाँ पे भी गवर्नर ही करता था, लेकिन ये लोग चुने हुए होते थे। अब बात करते हैं लेजिस्लेचर की। तो ये सारे मंत्री आते कहाँ से थे, ये लेजिस्लेटिव असेंबली जो प्रांत की थी वहीं से आते थे। तो इन लेजिस्लेटिव असेंबलीज का साइज बढ़ाया गया सभी राज्यों में, और अब इनमें 70% मेंबर्स इलेक्टेड होते थे, तो इलेक्टेड मेंबर्स की संख्या बढ़ाई गई। कम्युनल और क्लास इलेक्टोरेट यहाँ पर भी था, केंद्र में भी होता था और राज्य के स्तर पर भी होता था। डायरेक्ट इलेक्शंस होता था मेंबर्स का, लेकिन चुनाव में वोट देने वाले लोगों की संख्या बहुत ही कम थी, रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइज था, आगे आपको एग्जैक्ट संख्या में बताऊंगा। लेकिन पहली बार महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिलता है, तो वुमेन कुड ऑल्सो वोट, लेकिन अगेन रिस्ट्रिक्शंस हैं। जो भी लेजिस्लेटर्स हैं इस असेंबली के सदस्य हैं उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, और बिल पास करने के लिए गवर्नर की असेंट जरूरी थी। तो चाहे वो असेंबली से पास हो गया वो बिल, लेकिन जब तक गवर्नर उस पर साइन नहीं करेगा तब तक वो पास नहीं होगा, और गवर्नर के पास वीटो अधिकार था और वो ऑर्डिनेंस भी इशू कर सकता था। तो ये ऑर्डिनेंस वाला सिस्टम आपको मैंने पहले ही बता दिया कब शुरू हुआ था, कोई मुझे कमेंट में बता सकता है कि ये ऑर्डिनेंस सिस्टम कब स्टार्ट हुआ था? तो उस समय से ये चला आ रहा है और अभी भी जारी रहा है।
लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो हैं ये बजट को रिजेक्ट कर सकती थी, लेकिन गवर्नर के पास ये अधिकार था कि वो चाहे तो उस रिजेक्टेड बजट को भी अप्रूव कर सकता था। तो अल्टीमेटली आप देखोगे जो फाइनेंस वाला पावर है वो अभी भी गवर्नर के पास ही है, यानी कि अंग्रेजों के पास ही है, भारत के मिनिस्टर्स के पास नहीं है। फिर आते हैं हम केंद्र सरकार पर, सेंट्रल गवर्नमेंट पर। सेंट्रल गवर्नमेंट में भी दो हिस्से हैं, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। तो एग्जीक्यूटिव में यहां पर टॉप मोस्ट कौन है? ऑफ कोर्स गवर्नर जनरल या वाइसरॉय। ठीक है, हम बोलते वाइसरॉय हैं लेकिन पद का पूरा नाम गवर्नर जनरल भी होता था, उसके टाइटल में गवर्नर जनरल शब्द भी आता था। तो चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इसी के ऑफिस में वेस्ट करी गई थी, यहीं पर था। यहां पर दो लिस्ट बनाई गई एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, सेंट्रल और प्रोविंशियल। तो ये डायार्की नहीं है, ठीक है, इसको कंफ्यूज मत करना। डायार्की केवल स्टेट के लेवल पर है, प्रोविंस के लेवल पर है, केंद्र के स्तर पर नहीं आई है। लेकिन ये जो लिस्ट है ये कैसे है, जैसे आज के संविधान में आप देखोगे यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट होती है ना, उस प्रकार से दो लिस्ट बनाई गई, सेंट्रल और प्रोविंशियल। प्रोविंशियल लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट है उस पर राज्य कानून बनाएंगे, और केंद्र की लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट है उन पर कानून बनाएगा सेंटर। वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 8 सदस्य होते थे, इनमें से 3 भारतीय होना कंपलसरी है। तो कमांडर इन चीफ के अलावा जो सदस्य हैं उनमें से 3 भारतीय हो सकते हैं। तो कभी भी आर्मी का चीफ भारतीय नहीं हो सकता, दूसरी किसी भी पोस्ट पे भारतीय व्यक्ति को अपॉइंट किया जा सकता था। एग्जीक्यूटिव में अभी भी ज़्यादा शक्तियां वाइसरॉय के पास ही थी, जैसे कि वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता था, हाउस को समन करना, डिसॉल्व करना उसके हाथ में था, और ऐसे बिल जिनको लेजिस्लेचर रिजेक्ट कर चुका है, यानी कि जो इस लेजिस्लेटिव असेंबली में रिजेक्ट कर दिए गए हैं, उनको भी वाइसरॉय ओके कर सकता था, उनको भी पास करवा सकता था अगर वो चाहे तो। फिर आते हैं लेजिस्लेचर पर। यहां पर एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला, बाइकैमरल सिस्टम लाया गया। बाइकैमरल का मतलब है कि दो हिस्सों में विभाजित। तो पहले आपको याद हो 1919 तक एक ही असेंबली होती थी, लेकिन अब इसको दो हिस्सों में विभाजित कर दिया गया है। पहला लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको लोअर हाउस कहा गया, ये आगे चलकर लोकसभा के रूप में तब्दील हो जाएगा। लेकिन जब भी आप प्री 1947 वर्ड्स यूज करें तब तक लोकसभा शब्द का इस्तेमाल कभी मत करना अपने मेंस के आंसर में, इसको हमेशा लेजिस्लेटिव असेंबली ही कहा जाएगा, क्योंकि लोकसभा इसका ना तो नाम था और ना ही इसका ट्रू कैरेक्टर ऐसा था कि आज की लोकसभा से मिलता जुलता हो, लेकिन फिर भी उसका प्रिकर्सर है। दूसरा था काउंसिल ऑफ स्टेट जो अपर हाउस बना, और ये आज की राज्यसभा का फोररनर है। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा काउंसिल ऑफ स्टेट में प्रांत का यानी स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन होगा। अब लेजिस्लेटिव असेंबली का अगर हम ब्रेकडाउन देखें तो यहां पर 145 सदस्य होते थे, इसकी साइज बढ़ा दी गई, 104 इलेक्ट होकर आएंगे, 41 डायरेक्ट नॉमिनेट किए जाएंगे। 104 में से आप देख सकते हो कि यहां पर क्लास और कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, जैसे मुस्लिम्स, यूरोपियंस, लैंडलॉर्ड्स, सिख, इन सभी को यहां रिप्रेजेंटेशन दिया गया। और जो नॉमिनेटेड मेंबर्स है यहां पर भी कुछ एंग्लो इंडियन और इंडियन क्रिश्चियंस को डायरेक्टली गवर्नर जनरल के द्वारा नॉमिनेट किया जाता था। यहां पर जो भी सदस्य थे उनका कार्यकाल 3 साल का होगा, तो आज के समय लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन उस समय ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली है इसके मेंबर्स का कार्यकाल केवल 3 साल का था। अगर हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स की बात करें तो यहां पर 60 मेंबर्स थे। ये नंबर्स जरूर याद रखिएगा, 145 और 60 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे चलकर इनको थोड़ा बढ़ाया जाएगा 1935 में, लेकिन अभी 145 और 60। तो काउंसिल ऑफ स्टेट जो कि राज्यसभा का प्रिकर्सर है, यहां पर 60 मेंबर्स हैं जिनमें से 33 इलेक्टेड और 27 नॉमिनेटेड हैं। यहां पर केवल मेल मेंबर्स आ सकते थे, कोई भी महिला इसकी सदस्य नहीं बन सकती थी। टेक्निकली लेजिस्लेटिव असेंबली में महिला सदस्य हो सकती थी। यहां पर कार्यकाल 5 साल का था और 5 साल के बाद में कुछ सीटें वेकेंट हो जाएगी, तो वही रोटेशन वाला फॉर्मूला यहां पर चलता था। अगेन यहां पर भी मुस्लिम, यूरोपियंस और सिख को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था। ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल में क्या फर्क होता है मैं आपको पिछले लेक्चर्स में, खास करके जो मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स वाला लेक्चर है उसमें समझा चुका हूं। अब आते हैं इलेक्शन में हिस्सा कौन ले सकता था, वोट कौन डाल सकता है। इस पॉइंट पर सबसे जरूरी यही है, क्योंकि हम बार बार ये कह रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबल है इलेक्टोरेट के प्रति, लेकिन ये इलेक्टोरेट है कौन? तो देखो, फ्रेंचाइजी यानी कि वोट देने का अधिकार किसको दिया गया था? बहुत ही कम लोगों को, केवल ऐसे लोग जो सालाना 50 रुपये का लैंड रेवेन्यू पे करते हो। 50 रुपये उस समय बहुत बड़ी रकम थी, बेसिकली आप जमीन का टैक्स दे रहे हो 50 रुपये का, तो आप लैंड होल्डर हो। दूसरा, जिनके पास रेंटल प्रॉपर्टी हो वर्थ 180 रुपीज। तो देखो, जो शहरों में लोग रहते थे उनके पास खेत वेत तो है नहीं, तो वो लैंड रेवेन्यू नहीं देते थे, तो उनकी रेंटल प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन करी जाती थी। मान लो किसी के पास बॉम्बे शहर के अंदर 4-5 घर हैं, तो उनकी अगर वैल्यू 180 रुपये किराए की आती है तो वो व्यक्ति वोट दे सकता था। और तीसरा क्राइटेरिया था कि अगर आप 2000 रुपये का इनकम टैक्स दे रहे हो तो आप एलिजिबल हैं। तो ये 3 क्राइटेरिया तय किए गए थे, ऐसे ही लोग वोट दे सकते हैं। इन शॉर्ट आप समझ ही गए होंगे कि केवल अमीरों को वोट देने का अधिकार था।
और जो काउंसिल ऑफ स्टेट है वहां पर तो और ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड थी फ्रेंचाइजी, यानी ये तो मैं लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए बता रहा हूँ, जो काउंसिल ऑफ स्टेट है वहां पर ऐसे लोग दे सकते हैं जो टाइटल होल्डर हैं, जिनके पास राय बहादुर, नवाब इस तरह के टाइटल्स हैं, या फिर वो पहले से ही काउंसिल के मेंबर रह चुके हों, या फिर जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके सेनेट मेंबर हों, यानी कि यूनिवर्सिटी की जो काउंसिल होती है उसके मेंबर हैं, तो वो एलिजिबल हैं, यानी बहुत पढ़े लिखे या फिर अगेन सोसाइटी में बहुत ऊंचे पद पर बैठे लोग। तो इस प्रकार से फ्रेंचाइजी बहुत ही लिमिटेड थी और भारत की उस समय की लगभग 26 करोड़ की आबादी में से केवल 15 लाख लोग ही एलिजिबल थे, यानी इन सभी क्राइटेरिया को पूरे करने वाले सिर्फ 15 लाख लोग थे जो वोट दे सकते थे। लेकिन फिर से मैं आपको एक बात बताऊंगा, शुरुआत तो हुई है 15 लाख से शुरुआत हुई, धीरे धीरे फ्रेंचाइजी बढ़ती जाएगी। जो चुनकर मेंबर बनते थे लेजिस्लेचर के, उनको सवाल पूछने का अधिकार था और बजट के ऊपर जो वोट होता था उसमें भी वो हिस्सा ले सकते थे, लेकिन अभी भी पूरा बजट वोटेबल नहीं था, केवल 25% बजट पर वोटिंग अलाउड होती थी, मिलिट्री मामले या फिर जो सरकार को लगता था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उन पर कोई वोटिंग नहीं होती थी। तो 3/4 बजट पर कोई वोटिंग नहीं होती थी, केवल 1/4 बजट पर वोटिंग होती थी। किसी भी बिल को कानून बनने के लिए दोनों सदनों में पास होना जरूरी था। अब अगर कोई डेडलॉक आ जाता है तो दोनों सदनों के बीच में जॉइंट कमिटीज, जॉइंट कॉन्फ्रेंस या जॉइंट सिटिंग का प्रावधान आता है, तो ये भी एक नया डेवलपमेंट है, जॉइंट सिटिंग का प्रावधान यहाँ पर रखा गया। गवर्नर जनरल या वाइस रॉय के पास बहुत सारी पावर्स थी, सबसे इंपॉर्टेंट पावर यही था कि उसके साइन के बिना कोई भी बिल कानून नहीं बन सकता था, और अगर वो चाहे तो ऐसा कानून भी पास करवा सकता था जो लेजिस्लेचर ने रिजेक्ट कर दिया हो, यानी कि असेंबली में उस पर नेगेटिव वोट हुआ हो, लेकिन फिर भी वाइसरॉय चाहे तो उसको अप्रूव करके कानून बना सकता था, और अगर वो चाहे तो किसी बिल को कानून बनने से रोक भी सकता था अगर उसे लगे कि वो देश की शांति के लिए खतरनाक हो सकता है। तो मान लो कि दोनों ही सदनों ने उसे पास कर दिया है, लेकिन अगर वाइसरॉय को लगा कि नहीं इससे शांति भंग हो जाएगी देश में, तो फिर वो उस कानून को रोक सकता था। वाइसरॉय के पास कुछ और तानाशाह जैसी पावर्स थी, जैसे कि वो सदन में पूछे गए किसी भी क्वेश्चन को रिजेक्ट करवा सकता था, एडजर्नमेंट मोशन को रिजेक्ट करवा सकता था, या कोई भी डिबेट चल रहा है उसे भी बंद करवा सकता था। इसके बाद हम बात करते हैं लंदन स्थित इंडियन काउंसिल की। इस इंडियन काउंसिल को भी थोड़ा एक्सपांड किया गया, मिनिमम 8 और मैक्सिमम 12 सदस्य होने यहाँ जरूरी हैं। भारतीय सदस्यों की संख्या 2 से बढ़ाकर 3 कर दी जाती है, तो अब मिनिमम 3 मेंबर्स भारत के होंगे, भारतीय मूल के होंगे, और जितने भी ये टोटल सदस्य हैं, मान लो इस काउंसिल में 12 सदस्य हैं, तो उनमें से कम 6 सदस्य ऐसे होने चाहिए जिन्होंने भारत में पब्लिक सर्विस करी हो, यानी कि बेसिकली ब्रिटिश ऑफिसर्स जिन्होंने भारत में कम से कम 10 साल का समय व्यतीत किया हो, तो चाहे वो सिविल सर्विसेज के हो, पुलिस ऑफिसर हो, कोई भी ऑफिसर है भारत में 10 साल अगर व्यतीत करके आया है तो ही वो इस काउंसिल का मेंबर बन सकता है, यानी कि आधे मेंबर ऐसे होने जरूरी थे। ठीक है, हाफ ऑफ द मेंबर्स शुड हैव 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ पब्लिक सर्विस इन इंडिया। इस कानून के तहत लंदन में एक नया ऑफिस भी स्थापित किया जाता है, हाई कमिश्नर फॉर इंडिया, यानी कि भारत की तरफ से लंदन में बैठा भारत का राजदूत। अब राजदूत ये इंडिपेंडेंट इंडिया का नहीं था, उस समय जो गवर्नर जनरल या वाइसरॉय था भारत में जो दिल्ली में बैठता था उसके एजेंट के रूप में ये काम करेगा, तो ये हाई कमिश्नर का नया ऑफिस बनाया जाता है। एक और इंपॉर्टेंट बदलाव था कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो सैलरी है अब वो भारत की सरकार भारत से नहीं बल्कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने बजट से देगी। तो 1793 के चार्टर एक्ट के समय से ही एक प्रावधान चला आ रहा था कि लंदन में बैठे जितने भी ऑफिसर्स या ऑफिसर्स हैं उनकी तनख्वाह भारत वाले बजट से आती थी। इसको अब बदला गया और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो एक तरह से भारतीय मामलों का मंत्री है, ब्रिटिश कैबिनेट का हिस्सा है, उसकी सैलरी फाइनली ब्रिटिश की सरकार अपने बजट से देगी। अगला महत्वपूर्ण बदलाव था कि एक पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना करी गई। तो भारत में पहली बार एग्जाम्स को करवाने के लिए एक कमीशन बैठाया जाता है भारत में, ना कि इंग्लैंड में, और यह भी तय किया गया कि जो भी सिविल सर्विसेज के एग्जाम है वो भारत और इंग्लैंड में साइमल्टेनियसली यानी कि एक साथ एक समय पर करवाए जाएंगे। 1/3 रिक्रूटमेंट्स को भारत से किया जाएगा और धीरे धीरे इसको बढ़ाया जाएगा। तो पहले साल 33%, उसके अगले साल 34.5%, उसके अगले साल 36%, इस प्रकार से रिक्रूटमेंट भारत से ज़्यादा किए जाएंगे और एग्ज़ाम दोनों जगह पर एक साथ होगा। तो अगर भारत में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बननी है तो एक रिस्पॉन्सिबल पब्लिक सर्विस भी होनी चाहिए जिसमें भारत के लोग शामिल हों, ये इस कानून का ध्येय था। तो इसी रिकमेंडेशन के आधार पर भारत में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना करी गई सन 1926 में। भारत की आज़ादी के बाद में ये बन जाता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। जिस एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं उसको यही लोक सेवा आयोग करवाता है, तो भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना याद रखना 1926 में हुई थी, तब इसका नाम हुआ करता था सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। इस कानून की एक बहुत अच्छी बात ये थी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को ज़्यादातर जगह ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट की लिस्ट में रखा गया था, यानी कि
लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसके अधीन था? भारतीय लोगों के अधीन रहता था। इससे जितने भी प्रोविंस थे वहाँ पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को बहुत बढ़ावा मिला और कई राज्यों में इस प्रकार की संस्थाएं बनी जो आज भी बहुत स्ट्रांग हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूंगा मुंबई की जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, बृहन मुंबई महानगर पालिका, जिसका ये हेडक्वार्टर आपको दिखाया जा रहा है इस फोटोग्राफ में। ऐसी संस्थाएं काफ़ी पावरफुल हो गई क्योंकि ये सब ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट की लिस्ट में आते थे। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो भारतीय मामलों को, भारतीय मंत्रियों को सौंप दिया गया था। लेकिन एक परेशानी अभी भी बनी हुई थी कि फाइनेंस एक रिजर्व सब्जेक्ट था और एग्जीक्यूटिव काउंसलर उसके इंचार्ज होते थे, यानी कि ब्रिटिश सदस्य फाइनेंस को हैंडल करते थे। तो कुल मिलाकर इन स्वायत्त संस्थाओं को बजट नहीं मिल पाता था, फाइनेंस से उतना ही बजट आएगा जितना ये एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स चाहते थे। तो हमेशा इनको फंड्स की कमी रहती थी और इसीलिए ये उतना खुलकर काम नहीं कर पाए जितना प्रोबेबली आज कर पा रहे हैं। फिर इस कानून के अंदर एक इंपॉर्टेंट प्रावधान था कि 10 साल बाद ये देखा जाएगा कि ये रिफॉर्म्स कितने कारगर सिद्ध हुए हैं और 1929 में हम अगले रिफॉर्म्स की दिशा पर बढ़ेंगे। इसीलिए 1927 में साइमन कमीशन की स्थापना करी गई और साइमन कमीशन भारत आया, उसने देखा कि ये जितने भी मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स हैं ये कितने कारगर हैं। इसने पूरे देश को टूर किया और अपनी रिपोर्ट आगे सबमिट करी थी। ठीक है, तो इसके लिए भूमिका यहीं से बननी शुरू हो गई थी 10 साल पहले से ही। तो अगर हम 1919 के एक्ट की कुछ प्रोज के बारे में डिस्कशन करें कि इसकी अच्छाइयाँ क्या है, तो आप सबसे पहला पॉइंट यही देखोगे कि इसमें रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की शुरुआत हो जाती है। इट इज़ द जेनेसिस ऑफ अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। ऐसा कॉन्सेप्ट पहले भारत में नहीं था। रिस्पॉन्सिबिलिटी अंग्रेजों के पास में थी लेकिन वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल थे नहीं। पहली बार भारतीय मंत्रियों को, भारतीय लोगों को मंत्रालय दिए गए और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम कर रहे थे। और ये हो पाया था क्योंकि राज्यों के स्तर पर डायरकी का कॉन्सेप्ट आया था। इस कानून के साथ ही हम देखते हैं कि भारत में एक फेडरल स्ट्रक्चर की स्थापना हो जाती है, लेकिन यूनिटरी बायस यानी कि केंद्र ज़्यादा ताकतवर है ये यहीं से शुरू हो जाता है। आज भी काफ़ी हद तक ये सिस्टम हमारे यहाँ मौजूद है, हालांकि इसमें बहुत चीज़ें ऐड हो चुकी है, इतना सिंपल नहीं रहा है जितना 1919 के एक्ट में था। आप जानते ही होंगे अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है तो फेडरल स्ट्रक्चर की शुरुआत है लेकिन यूनिटरी बायस है। प्रशासन में भारतीय लोगों की जो पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी बढ़ गई, उनको इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियो भी दिए गए जैसे लेबर, हेल्थ। ये ऐसे मुद्दे हैं जो डायरेक्टली जनता से जुड़े हुए हैं, तो इसमें भारतीय लोगों ने काफ़ी काम किया, भारतीय मंत्रियों ने बहुत काम किया। और चुनावों के कारण चाहे वो केवल अमीर लोग वोट दे सकते थे लेकिन फिर भी एक राजनीतिक चेतना जागृत होती है लोगों में, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस डेवलप होती है और अब कई लोग डिमांड करने लगे कि हमें भी वोट देने का अधिकार दिया जाए। अगर कोई महिला टैक्स पे करती है तो उसको भी वोट देने का अधिकार था, तो थियोरेटिकली महिलाओं को भी पहली बार वोट देने का अधिकार भारत में इस कानून के बाद में मिल जाता है। लेकिन इस कानून के कई सारे लिमिटेशंस थे, इसके कई सारे कॉन्स भी हैं। तो हमने प्रोज डिस्कस कर लिए, तो अब इसके कुछ नेगेटिव हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला इसका नेगेटिव एस्पेक्ट यही था कि इसने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ावा दिया। एंग्लो इंडियन, सिख, इन सबको भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया जाता है। वोट देने का अधिकार बहुत ही सीमित था, जिनके पास प्रॉपर्टी है, जो हाई इनकम टैक्स देते हैं, केवल उनको वोट देने का अधिकार था। वाइसरॉय और गवर्नर को बहुत अधिकार दिए गए थे, इतने अधिकार थे कि वो इलेक्टेड लेजिस्लेचर्स को भी अंडरमाइन कर सकते थे, यानी कि लेजिस्लेचर के ऊपर जाकर भी वो कानून बना सकते थे। जो एलोकेशन ऑफ सीट किया गया था सेंट्रल लेजिस्लेचर में वो आबादी के अनुसार नहीं था। तो जैसे अगर यूनाइटेड प्रोविंसेस है उसकी आबादी ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा सीट नहीं दी गई है। अगर अंग्रेज़ों को लगता है कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको ज़्यादा सीट दी गई थी केंद्रीय लेजिस्लेचर में। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इन रिफॉर्म्स के ऊपर अपने ऑब्जेक्शन जो उठाए थे वो इस प्रकार से थे। सबसे पहला, भारत में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के लिए कोई स्पेसिफिक टाइम फ्रेम नहीं बताया गया, एक रोड मैप नहीं लगाया गया, एक रोड मैप नहीं दर्शाया गया कि कैसे भारत में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आएगी, किस प्रकार से लोगों को ज़्यादा अधिकार दिए जाएंगे। ये निर्णय पूरी तरह से ब्रिटिश हुकूमत के ऊपर था कि वो कैसे भारत में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का रास्ता तय करेगी। और इस बात से भारत के लोग, खास करके कांग्रेस, काफ़ी नाराज थी कि ये कौन तय करेगा, कि ब्रिटिश तय करेंगे कि क्या भारतीय लोगों के लिए अच्छा है क्या बुरा है, यानी कि हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट या फिर वोट देने के अधिकार के लिए तैयार हैं या नहीं, ये तय करने वाले ब्रिटिश कौन होते हैं, ये तो भारतीय लोगों को तय करना चाहिए। तो ये सबसे मेजर ऑब्जेक्शंस थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। इसका PDF आपको इन दोनों ही टेलीग्राम चैनल्स पर मिल जाएगा। अगर आप भारत के बेस्ट एजुकेटर्स से लाइव पढ़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आप पढ़ सकते हैं। 1 साल से ऊपर के सब्सक्रिप्शन पर इस वक्त काफ़ी अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं, आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। फ्री टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों के टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल होंगे। EMI ऑप्शन पर आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। 20 किताबों का सेट हिंदी और इंग्लिश जिसमें भी आप चाहें आपको फ्री दिया जाएगा। और
प्लस और आइकॉनिक दो प्रकार के जो ये कोर्सेज हैं इनमें डिफरेंस आप यहाँ पर देख सकते हैं। आइकॉनिक में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि आपको पर्सनल मेंटोरशिप दी जाएगी, पर्सनल गाइडेंस दी जाएगी एक मेंटोर के द्वारा। तो यहाँ पर जो भी कोर्स आप अवेल करें उसमें अगर आप महिपाल कोड यूज़ करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑप्शनल के भी कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, अगर आप जीएस और ऑप्शनल का कोर्स अभी एक साथ लेते हैं तो आपको उस पर काफ़ी डिस्काउंट मिलेगा। इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग 75,000 रुपीज़, आपको 51,700 रुपीज़ में ऑप्शनल और जीएस दोनों का कोर्स, कंबाइंड कोर्स मिल जाएगा। सब्सक्रिप्शन लेते ही आप बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस में आपकी एक रेगुलर और टाइम टेबल के साथ तैयारी करवा दी जाएगी, तो आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं कहाँ से कौन सा सब्जेक्ट किस टीचर से पढ़ूँ। ऑफकोर्स आपके पास ये छूट है कि आप अपने फेवरेट एजुकेटर्स के लेक्चर्स को देख सकते हैं, वो तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में तैयारी करनी है तो जस्ट ज्वाइन द बैच। हमारी 3 फ्री टेस्ट सीरीज ऑलरेडी ऑन गोइंग है, इनको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यूजिंग दिस कोड एंड अपने प्रिलिम्स के स्कोर को इंक्रीज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।